हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ दीपाला ब्लॉग एंड रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे से हेल्दी नाश्ता। मैंने 250 ग्राम पालक लिया, उसको धुल को अच्छे से तैयार कर लिया। अब इसको मैं उबाल लूंगी। सॉरी, मैंने आटा लिया, अच्छे से छान लिया। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन क्रश करके थोड़ी सी, इसमें डालेंगे छोटी सी दो चुटकी हींग, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, नमक डालेंगे और इसको ऐसे करके मिला लेंगे। फिर हमने जो पालक पीसी थी वो डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी है आपको। एक चम्मच ये डाल दी, कम से कम दो चम्मच लमसुन डालनी है आपको घर के। फिर थोड़ा सा आपको ऑयल डालना है, एक चम्मच लमसुन बस। अब हम पानी की सहायता से एक अच्छा सा डो बना लेंगे। ऐसे करके हाथों की सहायता से आप मिला लेंगे पूरे आटे में, क्योंकि पालक बहुत हेल्दी होती है बच्चों के लिए। बच्चे वैसे बिल्कुल नहीं खाते हैं, ऐसे अगर आप आटे में डाल के अगर कुछ बनाएंगे तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। थोड़े से हम पानी की छींटे मारेंगे, जितने हमें ज़रूरत है, एक अच्छा सा डो बना लेंगे। देखिए तो बना दिया। अब मैं इसके लिए 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँ, और डो बिल्कुल आपको ऐसा ही बनाना है, सॉफ्ट बिल्कुल। और इसके लिए 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दी। फ्राई पैन रख दिया, उसमें मैंने तेल लगा दिया एक बड़ी चम्मच। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, प्याज डाल दी मुझे, मैंने कट करके रखी है, और इनको अच्छे से आपको हल्का सा इनका मॉइस्चर कम कर, ये नहीं कि बहुत नहीं भूनना, हल्का सा भूनना। अब हमने 2-3-4 हरी मिर्च बारीक काट रखी है, वो भी हम इसी में डाल देंगे। 2 मैंने बारीक टमाटर काटे हैं, वो भी इसी में डाल देंगे हम। इसको अच्छे से चला, अब मैंने पालक को धो के कट करके रखा हुआ है। एक छोटी कटोरी पालक है ये, तो थोड़ी पालक मैंने उबाल के पीसी थी, थोड़ी मैंने कट करी थी। अब इसमें हम डाल देंगे, तो पालक अच्छे से इसमें गल भी जाएगी और अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई मिर्च आधी छोटी चम्मच, आधा छोटा चम्मच पिसा हुआ धनिया, जरा सी हल्दी, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा भुना हुआ पिसा हुआ जीरा, आधी चम्मच पाव भाजी मसाला और नमक स्वाद अनुसार। और इसको अच्छे से मिला दी, क्योंकि टमाटर भी पानी छोड़ रहा है, पालक भी पानी छोड़ रहा है, तो पानी की हमें ज़रूरत ही नहीं है। इसमें इतना मॉइस्चर निकल रहा है, इसको देखिए गीला हो रहा है, नमक डालने से क्योंकि टमाटर में भी पानी है और पालक में भी। तो 1 मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे। 4 आलू उबाल के रखे थे और उनको मैंने अच्छे से फोल्ड लिया। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी और उनको अच्छे से इसमें चला, जो मॉइस्चर होगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आलू डालने से बिल्कुल फ्राई फ्राई हो जाएंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसको 1 मिनट तक अच्छे से इसको पका लेंगे। अब हमारी आटे के अंदर भरने के लिए स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब इसको ठंडा होने के लिए हम, अब जो मैंने डो को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया, वो डो अच्छे से तैयार हो गया। अब इसके हम एक अच्छी सी लोई बना के पाटे पे बेल लेंगे। अब हमने इतना बड़ा आटा ले लिया, इतनी बड़ी लोई ले ली है, अब इसको हम अच्छे से पाटे पे बेल लेंगे। आपको पतला पतला बेल लेना है ऐसे करके। हमें ऐसे करके बड़ी सी रोटी बेल लेनी है, ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी है, हमें पतली पतली बेलनी है। देखिए इतनी पतली,
आपको ऐसी बेलनी है। अब इसको हम इसमें जो हमने स्टफिंग तैयार करी थी अब वो इसको हम इसमें लगा लेंगे ऐसे करके। जो फिलिंग हमने बढ़िया सी तैयार करी थी अभी बच्चों को बहुत पसंद आता है ये नाश्ता। थोड़ा सा इसमें तेल लगा लेंगे ऐसे करके। आपको कर ले अब हाथों की सहायता से करना है, बेलन नहीं मारना है आपको बिल्कुल भी, क्योंकि ये ऐसे ही रहेगा। ऐसे करके आपको हाथों की सहायता से प्रेस कर देना है, जितना आप प्रेस कर पाए, ज्यादा नहीं, आप जितना कर पाए। अब हम चलते हैं गैस की। गैस ऑन कर दिए मैंने, तवा रख दिया। अब उसमें मैं थोड़ा सा हमें ऐसे करके और लगा देना पड़ेगा, जिससे हमारा रोटी में भरा हुआ जो मिश्रण वो अच्छे से सिक जाए। अब देखो तवे पे धुआं छोड़ने लगा बिल्कुल। अब आपको ऐसे करके रख देना है इसको ऐसे करके, चारों तरफ आपको ऑयल लगा देना है ऐसे करके। खूब अच्छे से आपको धीमी धीमी आंच में सेक देंगे। इस रोटी को भी बेल लिया है, जब तक वो सिक रहा है जब तक हम इसमें स्टफिंग लगा लेते हैं। हमें जो फिलिंग है वो अच्छे से हम लगा लेते हैं, और ये फिलिंग बहुत हेल्दी है क्योंकि इसमें पालक वगैरह मिली है, बिल्कुल आयरन से भरपूर है, बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है ये। जितनी अच्छी फिलिंग भरोगे आप उतना अच्छे टेस्टी नाश्ता बनेगा आटे का। फिर हम इसको तेल लगा लेंगे ऐसे कर लेंगे ऐसे, फिर इसको ऐसे कर लेंगे, फिर इसको हमें ऐसे कर लेंगे। अब हाथों की सहायता से इसको भी हम प्रेस कर लेंगे। लाल लाल बिल्कुल सिक गया है, इसे हम निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में। ऐसे करके हमने एक सर्विंग प्लेट में निकाल दिया। अब हमने जो दूसरा तैयार करा है उसको भी डाल देंगे और लगा के। आपको ऐसे करके डाल देना है, इसको भी ऐसे ही सेकना है बढ़िया करके। थोड़ा सा चारों तरफ हम ऑयल डाल देंगे और इसको सेक देंगे। जैसे जैसे सेक गया ऐसे हमें इधर से सेक लेना बढ़िया करके, करारे करारे करके, और चारों तरफ ऑयल लगा देंगे। बिल्कुल आपको ऐसे करके प्रेस कर करके लाल लाल सेक लेना है, बिल्कुल दोनों तरफ से ऐसे करके आपको सेक लेना। आज आपको मेरा आटे का ये हेल्दी नाश्ता पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। देखिए कितना हेल्दी है ये नाश्ता, मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। देखिए, और इसमें मैंने पालक वगैरह डाली जो बहुत हेल्दी होती है बच्चों के लिए। आप ज़रूर बनाइए इसे, ऐसा नाश्ता आपने नहीं बनाया होगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप इसको सॉस से, चाय से, चटनी से, जिससे भी आप खाना चाहो खा सकते हो आप। अगर आज आपको ये मेरे आटे की हेल्दी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।